This story is brought to you by tapeatale.com. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसको दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि प्यार, अधूरा या मुकम्मल, पर प्यार तो प्यार होता है. गम, और हो भी क्यों ना, गम के बिना खुशी का क्या मज़ा. इससे याद आया, खुशी अधूरी या दो पल की, पर खुशी. फैमिली, माँ बाप भाई बहन, टेढ़ी है पर मेरी है वाली फैमिली, पर फैमिली. हम साथ साथ है वाली ओवर ड्रामेटिक जॉइंट फैमिली, या कभी खुशी कभी गम वाली थोड़ा लेट समझने वाली फैमिली, पर फैमिली. ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक इंसान एक्सपीरियंस करता है, और जो भी इन्हें एक्सपीरियंस करता है उसे लगता है मेरा वाला सबके जैसा नहीं है, अलग है, पर शायद ऐसा होता नहीं है. तो चलो आज इनमें से किसी एक पहलू की बात की जाए. फैमिली बहुत सिंपल सा सेटअप है, एक पापा, एक माँ, एक बहन, और मैं सबसे छोटी. मम्मी पापा के जब लड़की हुई उन्होंने सोचा सुशील और संस्कारी बनाएंगे, लखनऊ में पढ़ाएंगे, शादी कराएंगे और हैप्पी एवर आफ्टर हो जाएगा. पर मैं थोड़ी सी आवारा निकली. दुनिया देखने की चुल, अलग अलग एक्सपीरियंसेस करने का पैशन, और उसके साथ साथ माँ बाप के लिए बेहद प्यार और रिस्पेक्ट. सोचा इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करूँगी. स्कूल तो किस तरह से निकाल दिया, पर जब कॉलेज के लिए दिल्ली गई तो 3 में से 1.5 साल तो पापा से परमिशन लेने में ही निकल गए. किसी भी बर्थडे पार्टी में जाना होता तो 20 दिन पहले फरमाइश लगानी पड़ती थी, क्योंकि पापा को 10 बिजनेस डेज चाहिए होते थे सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, ये बताने के लिए कि पार्टी सीपी में है, वहाँ तो 4 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना. खैर ऐसा भी नहीं है कि किसी पार्टी में जाने की परमिशन मिली नहीं. एक बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बहुत मिन्नतें मांगी तो नेक्स्ट दिन पापा का फ़ोन पे मैसेज पड़ा था. लिखा था, डीकोड दिस, दिस इज़ माय रिप्लाई. मैसेज था MISSION DGRANTE. सब दोस्तों ने बैठ के डीकोड करा तो लिखा था, परमिशन ग्रांटेड. जहाँ पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे टीनेज के कुछ आखिरी सालों का मजाक उड़ा रहा था, वही मम्मी की, बेटा तुम जब घर से बाहर रहती हो मुझे नींद नहीं आती वाली लेट नाइट फ़ोन कॉल्स, जिन पार्टी में जाने की परमिशन मिली भी थी उनका दी एंड करने पे तुले थे. खैर ये बात में दिल्ली वाले दोस्तों को समझ नहीं आती थी परमिशन वाली, पर मैं भी टाइम बाय टाइम समझा दिया करती थी, आज इन्हीं की वजह से तो हूँ जो हूँ, तो इनका इतना करना तो बनता है ना. खैर वक्त बीता और शायद उनमें से कुछ दोस्त आज दोस्त रहे भी नहीं, पर मॉम डैड के साथ, यार आप लोग मुझे कभी नहीं समझोगे, हमने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, यार मुझे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो दो, मैंने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में पाला है, वाले आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे. मॉम डैड के दिमाग में एक इमेज थी एक आइडियल लड़की की, और हो भी क्यों ना, सोसाइटी ने लड़कियों की सेफ्टी की इतनी झंड जो मचा रखी है, मॉम डैड का वर्ड होना तो बनता है. पर ये बात तो बाद में समझ में आती है ना, उस वक्त तो रिबेल मोड ऑन रहता है, माय पेरेंट्स विल नेवर अंडरस्टैंड मी. एक आइडियल सिनेरियो में 3 साल कॉलेज, 1 साल जॉब और फिर शादी. पर मुझे तो जॉब करनी नहीं थी, मुझे तो आगे पढ़ना था, तो कर दिया कॉलेजेस में अप्लाई. सोचा कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो शायद मनाना इतना मुश्किल ना हो. जब लंदन के ड्रीम कॉलेज से एक्सेप्टेंस लेटर आया तो सबसे पहला कॉल पापा को ही गया. कितने साल का कोर्स है? मैंने बोला 2. उन्होंने बोला, और फिर वापस इंडिया? मैंने कहा, देखेंगे ना जो होना है, इतना क्या सोचना. उन्होंने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी. एक वो दिन है और एक आज का दिन है, सिमरन फुल स्पीड से अपनी ज़िंदगी जी रही है और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश आज भी जारी है. एक बार मम्मी को कहते हुए सुना था, ये वाली लड़की थोड़ी सी अलग है, पर इस अलग सी लड़की को आपकी समझने की कोशिश इज़ ऑल दैट मैटर्स. जब टेपटेल स्टार्ट किया और नौकरी से निकाल दी गई, तब भी सबसे पहला कॉल पापा को ही किया. मुझे लगा सोचेंगे अब क्या होगा, पर उधर से जवाब आया, चलो बढ़िया है, तुम्हें आगे एक और कहानी मिल गई सुनाने के लिए. मम्मी ने बोला, अरे कौन होता है तुम्हें रोकने वाला,
जो करना है करो. तो बात बस सिंपल सी है, अलग है या शायद नहीं, पर बात बस इतनी सी है कि समझाने की कोशिश करो तो हर कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता सिंपल ही होता है. और माँ बाप का रोकना टोकना और आपको ओकेजनली कहना कि इतने छोटे कपड़े पहन के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी है. और उतना ही ज़रूरी है आपका उनसे कहना, क्यों ना पहनूँ मैं छोटे कपड़े, सोसाइटी की वजह से मैं क्यों बदलूँ. आज भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो सबसे पहला कॉल वहीं जाता है, क्योंकि वो जो तेरी है पर मेरी है वाली फैमिली है ना, वो मेरी ही है. मुझे लगता है अलग है. आपकी भी वैसी ही है क्या? हो ही नहीं सकता ना, बिल्कुल नहीं. थैंक यू.